अररिया में सबसे ज्यादा महंगाई की मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। 2024 में हम आपको जिता सकते हैं और आने वाले चुनाव में आपको इसी उदाहरण के मैदान से हम आपको बाहर निकाल के फेंकाएंगे अगर आपको सीमांचल को स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया। जब वोट लेने की बारी आता है तो 2 रुपया पेट्रोल में कम कर देता है, पहले 109 रुपया पेट्रोल था, अब 107 रुपया कर दिया है। अररिया को बहुत अच्छा शिक्षित पढ़ा लिखा कैंडिडेट मिला है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे। बस 2 दिन में चुनाव मतदान होना है अररिया लोकसभा क्षेत्र में, तो आप लोगों का मुद्दा क्या था इस बार? मेरा मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है और हम लोगों का पलायन है। इसी मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे ताकि कोई अच्छा सरकार हमारा चुन के आए, महागठबंधन की सरकार बन के आएगी, हम लोगों को पलायन के बारे में सोचेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और हम लोगों का जो महंगाई है महंगाई को दूर करेंगे, जो पेट्रोल को 70 साल में 60 रुपये से 110 रुपये पहुँचा दिए उसको दूर करेंगे, जो हमको मिट्टी का सरसों का तेल हम 50 रुपये 60 रुपये में खाते थे अभी 200 रुपये में खा रहे हैं। ये महंगाई की मार हम लोग झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं और ये जुमलेबाज सरकार को अब जड़ से उखाड़ के फेंकना है। मतलब महंगाई का मुद्दा है जी, ज्यादा। और अररिया में? अररिया में सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। अररिया से हमेशा लोग बाहर दिल्ली पंजाब बम्बई जाके खड़ते हैं, अगर हमारे इलाके में कोई उद्योग लग जाए तो यहाँ पे पलायन रुक जाएगी। हम सरकार से मांग करूंगा, हम वहाँ पर खास करके राहुल गांधी से मांग करूंगा, मैं उसकी सरकार को बनाने के लिए दिलो जान से तैयार हैं, अगर उसकी सरकार बने हमारे अररिया में कोई उद्योग लगाए। चलिए, ये उद्योग धंधा चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, यही मुद्दा है भाई का। हम तो एक पढ़ने वाले बच्चे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, वोटर हैं? हाँ वोटर है, दूसरे बार। तो बच्चे आप हैं तो क्या बच्चों का क्या इस बार मुद्दा क्या आपका? हमारा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के जो गंगा जमुना तहजीब थी वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारे प्यार एकता आपस में भाईचारा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि इसी वजह से आज हम सबको वोट करना है कि नफरती पार्टी और नफरती लोगों को बिल्कुल ही देश से निकालना है, यानी देश में उनको रहने की जगह नहीं है क्योंकि वो तड़ीपार लोग है, सारे के सारे तड़ीपार लोग है। देख लीजिए आज जो हमारे गृह मंत्री वो खुद तड़ीपार है, इस समझ सकते हैं वो तड़ीपार है। और जिस देश में अगर तड़ीपार गृह मंत्री हो उस देश का हालत क्या होगा? इस देश में हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान है लेकिन वो तड़ीपार इसलिए आके बैठ के चुना हुआ है कि उसको वोट नहीं देता वो, बल्कि ईवीएम के थ्रू से ऐसे ही बेमानू करके आता है। आपका मुद्दा भाईचारा? हमारा मुद्दा यही है कि आपस में भाईचारा बने रहे, मस्जिद मंदिर के ऊपर लड़ाई ना हो बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक मजहब को, हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है यहाँ पे हर एक तरह के फूल होते हैं और हर तरह के फूल के खुले आजादी है। इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहते हैं, भाई आप हमारे देश को छोड़ दे, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप हमारे देश को बिल्कुल ही छोड़ दे, क्योंकि आप उस काबिल प्रधानमंत्री नहीं हो। क्यों देख सकते हैं 2015-14 के अंदर जब उनकी सरकार आई थी उस समय से लेकर आज तक बयान दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, यानी एक धर्म के ऊपर बिल्कुल उनका नजर रहते हैं। हालांकि इस धर्म इस हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ की आबादी के ऊपर एक उंगली उठाना एक अदना सा आदमी जिसने हमें चुनकर उसको भेजा और वही आज हमें घुसपैठी कहते हैं, उसके औकात क्या? आज हम उनको निकाल के फेंकेंगे। आज हम पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि सीमांचल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जनता को ये कहना चाहते हैं, जो सेकुलर पार्टी जहन के रखने वाले हैं, तमाम मजहब के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वोट कीजिए, ऐसे लोगों को जो संविधान को बचाने के लिए और संविधान के एकता और एकता ही के लिए काम करता हो, ना कि संविधान के बदलने के लिए। ये जितने बीजेपी के आदमी है वो सब आरएसएस के चड्डी पहनने वाले हैं। किसके हैं? आरएसएस के चड्डी पहने, इनके कभी अंदर बैठ देख कर देखिए कि आरएसएस के चड्डी पहने हुए हैं। क्यों? आज हमारे हिंदुस्तान में जितने भी खुराफात है बीजेपी पार्टी की है, कौन क्या है, ये सारे के सारे बीजेपी ही इसकी जिम्मेदार है और कोई नहीं। आज देखिए, जब हम 2011 में मदरसे जाते थे तो एक पंडित जी ने हमें, जब हमारी सामान चोरी हो गई थी उस पंडित जी ने हमें अपने मदरसे तक पहुंचाया था, लेकिन आज एक पंडित जी से या एक किसी और से हम सब पूछते हैं तो कहते हैं कि वो टोपीधारी देख के हमसे नफरत करने लगते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं भाई की गलती नहीं है, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल भाई है और हम उनके सपोर्ट में खड़ा है, वो हमारे लगते जिगर है। लेकिन आज ये जो पार्टी आई हुई है 2014 से, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सबको आपस में लड़ा दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि तमाम हिंदुस्तानियों को इत्तेहाद और इत्तफाक आपस में पैदा करना, और मैं खासतौर से सीमांचल वाले को ये कहना चाहता हूं कि आज आप मोहम्मद शहनवाज भाई को कामयाब कीजिए और 7 तारीख को सुबह उठिए और फजर की नमाज पढ़ के दो रिकात अल्लाह से
दुआ करके ईवीएम के मशीन दबा कर ये कहिए या अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत अता फरमाए, हमारे संविधान की हिफाजत अता फरमाए। ये जो नफरती पार्टी है उनको इस हिंदुस्तान से नास्त नाबूद कर दे। और खास तौर से हमारे लालू यादव से, लालू जी से मैं ये कहना चाहता हूँ और राहुल गांधी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सीमांचल को जो खास तौर से जो स्पेशल दर्जा था उसको बहाल किया जाए, वरना आप ये समझ लीजिए 2024 में हम आपको जिता सकते हैं और आने वाले चुनाव में आपको इसी उदाहट के मैदान से हम आपको बाहर निकाल के फेंकाएंगे अगर आपको सीमांचल को स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया। क्योंकि यहाँ खास तौर से अकेलियत यानी मुसलमानों की आबादी ये चार जिलों में ज्यादा है और काम देखिए खास तौर से मुसलमान आबादी में नहीं होता है। क्यों आज इससे छोड़िए सीमांचल यानी दिल्ली राजधानी से लगे हुए एक जिला है नूह, उसके अंदर मुसलमान आबादी है, उसके अंदर विकास नहीं होता। क्यों आज यही वजह है कि इस हिंदुस्तान में नफरती पार्टी को बिल्कुल खत्म करना और खासतौर से सीमांचल को स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। वोटर हो? हाँ फर्स्ट टाइम वोटर है। अरे फर्स्ट टाइम वोटर है, उत्साह है? हाँ बहुत उत्साह है। तो क्या है, तुम पढ़ते लिखते हो, क्या करते हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस बार। ग्रेजुएशन कर रहे हो? हाँ। तो क्या मुद्दा है तुम लोगों का, विद्यार्थी का, स्टूडेंट का? विद्यार्थी का मुद्दा यही है कि अभी बहुत मतलब ऐसे चंद बच्चे हैं जिसके जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं महंगाई के कारण। इतना महंगाई बढ़ा दिया है सरकार, हर चीज में महंगाई बढ़ा दिया है, सब्जी से लेकर के देखे तो पेट्रोल तक, राशन से लेकर के बहुत ऐसी चीज है जिसमें महंगाई बढ़ा दिया है। महंगाई के कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता है, महंगाई के कारण आजकल जो बीमार लोग है वो मरता है, दवाई खरीद नहीं पाता। इतना महंगाई बढ़ा दिया, इतना GST लगा दिया है कि सरकार क्या बताया। ऐसे ही देशवासी बहुत जानते हैं कि कितना महंगाई बढ़ा रहा है। जब वोट लेने की बारी आता है तो 2 रुपया पेट्रोल में कम कर देता है, पहले 109 रुपया पेट्रोल था, अब 107 रुपया कर दिया है ताकि सब वोट मोदी ले सके, ऐसा मोदी का सोच है। पर इस बार हम लोग मोदी को वोट नहीं देंगे, इस बार शहनवाज आलम को ही हम लोग चुनेंगे। जहाँ से हो सके हम शहनवाज आलम को ही वोट देंगे, दिलो जान से उसके लिए मेहनत करेंगे। तो भाई साहब का मुद्दा था रोजगार, महंगाई और शिक्षित करना है, शिक्षा यही मुद्दा था। उसी मुद्दे पे शहनवाज आलम को वोट करेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, राजद का हाथ मजबूत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जसीमुद्दीन हुआ। चुनावी मुद्दा हम बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अररिया में बस 2 दिन बाद मतदान होना है, तो आपका क्या मुद्दा है? सर हम लोग तो पिछली बार BJP को वोट किए थे, सोचे थे कि कुछ अच्छा लगेगा। हम लोग भी BEd करके भटक रहे हैं रोजगार के तलाश में, हम लोग बेरोजगार हैं, हम उम्मीद में किए लेकिन खैर पुलाव में हम लोग अभी तक जी रहे हैं, अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग इस बार ठान लिए हैं कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे हैं, उसको प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे और उसी के लक्ष्य पे हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का मुद्दा यहाँ का है बेरोजगारी, पलायन है और शिक्षा का मुद्दा है, लोग बाहर जा रहे हैं, परेशान हो है। यहाँ हम लोग किसान लोग हैं, हम लोगों के बाप चचा लोग जो है किसान है, एक मक्का का भी कोई सुविधा नहीं है, बीच में बिचौलिया लेकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, हम लोगों को अच्छा, हम लोगों बाप चचा को अच्छा रेट नहीं मिलता है, इसके वजह से वो सब गौरू भैंस की तरफ खट लेते हैं लेकिन उसको उच्च मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बार हम लोग ठान लिए हैं और सबसे खुशकिस्मती की बात है कि अररिया को बहुत अच्छा शिक्षित पढ़ा लिखा कैंडिडेट मिला है और साफ छवि का जिसको एक धब्बा का बराबर दाग भी नहीं है, तो बहुत अच्छा यह है। इस बार हम लोग सब कम्युनिटी के लोग मिलके शहनवाज साहब के साथ हैं और आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी पता चला होगा एक माहौल बना हुआ है और शहनवाज जी बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। तो भाई साहब का मुद्दा था सर्वांगीण विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, BEd करके बैठे हुए नौकरी मिले, यही मुद्दा था ना? जी जी यही मुद्दा था। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अबू सुफियान है सर। सुफियान जी, लोकसभा चुनाव बस 2 दिन में मतदान होना है 7 तारीख को, तो क्या मुद्दा है इस बार युवाओं का? हमारा यही मुद्दा है कि हमें विकास चाहिए। प्रदीप सिंह 10 साल से MP है हमारे अररिया जिला में, एक भी विकास नहीं किया। कोई अगर है वैसा हमें 5 विकास प्रदीप सिंह का गिना दे अररिया जिला में, मैं उसको समर्थन करूंगा। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, 5-10 साल से हम लोगों ने उनको बनाकर रखा लेकिन कोई विकास हमारे क्षेत्र में नहीं किया उन्होंने। विकास का मुद्दा है। पुल हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, यहाँ से अररिया, ये हम लोगों का गाँव अररिया जिला को जोड़ती है, इस जाने वाली सड़क में एक पुल ध्वस्त हुआ है, उस पुल को अब तक नहीं बनाया। एक पुल डोरी में ध्वस्त हुआ है, उस पुल को अब तक नहीं बनाया उन्होंने। तो क्या कहिए, विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बस विकास चाहिए हम लोगों को, तो शहनवाज आलम को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल वोट कर रहे हैं हम लोग, शहनवाज भाई पढ़े लिखे लोग है, उसको हम लोग जीता कर दिल्ली भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह, और 1 लाख वोटों से जीत रहा है इस बार वो। आसपास को देख के लग रहा है माहौल, हिंदू मुसलमान सब देंगे मिलकर उसको वोट,
सारे भाई वोट करेंगे इसको, जीता के दिल्ली भेजेंगे, भेजेंगे इंशाल्लाह। हम लोग भेजने जा रहे हैं और पूरा तारीख को हम लोग फुल बहुमत से उसको पूरे परिवार पूरे गांव जो हमारा बूथ पोल पर रहा है सब मिलकर वोट करेंगे। सुबह से शाम तक जितना भी वोट होगा मतलब कि 70-80% गिराने का काम करवाएंगे हम लोग। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।